आलू को छील के इसमें डाल रहा है। वहाँ पे आलू है, इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसको छील के डाल रहा है, इससे आलू की बरी बनेगी। अब इसको कद्दूकस किया जा रहा है आलू को। पूरा आलू छील लिया गया है। थोड़ा हींग लिए है, थोड़ा खरा जीरा लिए है, थोड़ा जीरा पाउडर लिए है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर दिया जा रहा है। नमक, थोड़ा हींग, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा मसाला दे दिया गया है। आलू कस करके रख लिया अच्छे से आलू को, सारे आलू को। अब इसमें सारे मसाले मिला रहे। एक प्लेट में तेल ले लिए है, इसको यहाँ पे मिलाने के लिए तेल ले लिए है। हाथ में तेल लगा के अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से तेल में, हाथ में तेल लगा के इसको सारे को मिला लेंगे, सारे मसाला में आलू को जो हमने कद्दूकस करके रखा है। तेल लगाने से हाथ में आलू चिपकता नहीं है। थोड़ा सा फिर तेल लगा रहे इधर हाथ में, इस तरह से तेल लगा लेंगे थोड़ा उंगली के अंदर भी, फिर इसको मिलाएंगे। अच्छी तरह से सारे मिला लेंगे। हाथ में तेल लगा के मिलाना है ताकि हाथ में आलू चिपके नहीं। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें ना आलू एकदम ऐसे रहना चाहिए, इसमें ढेला नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से चूर हो जाए। लम्स भी नहीं रहना चाहिए, ढेला बोलिए लम्स बोलिए, वो सब नहीं रहना चाहिए इसमें। और इसको अच्छे से मिला लेना चाहिए। ये रेडी हो गया, अब इसको धूप में डालें। अब इसका बरी पारेंगे। यहाँ पे कपड़ा डाल के रख लिए धूप में। हाथ में तेल लगा लिए, फिर ले रही है, फिर इसको ऐसे जल्दी जल्दी डालते जा रही है। इस तरह से पूरी तरह से डालनी है। अब इसमें से लेके थोड़ा तेल लगा लेती है, फिर हाथ से इस तरह से डाला जा रहा है। सूती कपड़ा पे देना होता है। इनका स्पीड देखिए करने का, इतना जल्दी जल्दी डाले जा। ये अच्छे से हो गया है आलू बर। यहाँ पे देखिए इतने अच्छे से डाल दिया गया है। अब इसे धूप लग के ये सूख जाएगा। देखिए आलू बड़ी बन के रेडी हो गया, एकदम सूख गया, अच्छे से कड़ा हो गया।